मनीष सिसोदिया, उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुस जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5-स्टार बिल्डिंग है हमारे सरकारी स्कूलों की। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आगे बोलेगा, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश, इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा, प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। नाड़ नुड़ी सली आम आदमी पक्षा।